हे हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्वेषा पैशन। तो आज मैं आप सबके साथ समर स्पेशल दो टाइप का ड्रिंक्स बना के दिखाऊंगी, वो भी एक ही वाटरमेलन से आप दो टाइप का ड्रिंक्स बना सकते हो। तो आज मैं बना रही हूँ क्लासिक वाटरमेलन कूलर एंड वाटरमेलन मोहितो। इस समर के टाइम ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और कूलिंग रहता है, हेल्दी भी होता है और बनाना भी बहुत ईजी है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को भी क्लिक करके ऑल कर देना। तो वाटरमेलन के ये दो सुपर ड्रिंक्स बनाने के लिए पहले हमें वाटरमेलन को कट कर लेना है और इस काम में मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो इधर मैं वाटरमेलन को ऐसे छोटा छोटा पीस में कट कर लिया हूँ, तो इसका सीड जो है मैं इसे निकाल दिया हूँ, अभी हमें इसे पीस लेना है। तो इधर मैं एक मिक्सिंग जार ले लिया हूँ, अभी इसके अंदर वाटरमेलन का जो पीसेस है इसे डाल दूंगी और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। तो जितना हो सके मैं इसका सीड निकाल दिया हूँ और वैसे भी हमें तो बाद में इसे छानना पड़ेगा। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी एक होल लेमन जूस। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी एक टेबलस्पून भर के शुगर। मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज कर रही हूँ, लेकिन मीठा अपने पसंदीदा, आपको जितना मीठा खाना पसंद है उसके हिसाब से आप शुगर का क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हो। वैसे ये वाटरमेलन बहुत मीठा था तो 1 टेबलस्पून शुगर इनफ है। फिर मैं इसके बाद डाल दिया हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और वाटरमेलन को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है पुदीना, तो मैं यहाँ पे फ्रेश पुदीने के पत्ते ले लिया हूँ, ये भी डाल दूंगी और इन सारे चीज को अच्छे से मिक्सिंग जार में ब्लेंड कर लूंगी। तो अभी आप देख सकते हो वाटरमेलन जूस हमारा तैयार है, अभी मैं इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लूंगी। तो इधर मैं एक स्ट्रेनर ले लिया हूँ, अभी इसके अंदर वाटरमेलन जूस को डाल दूंगी और इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लूंगी। तो अभी आप देख सकते हो मैं इसे अच्छे से छान लिया हूँ और अगर एक दो सीड रह भी गया है तो छानने के टाइम वो निकल जाएगा। तो मैं इसे बहुत अच्छे से छान लिया हूँ, आप देख सकते हो। तो इधर हमारा वाटरमेलन जूस तैयार है। आप इस स्टेज में नमक और शक्कर चेक कर सकते हो, अगर आपको कम लगता है तो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अभी इसे हम सर्व करेंगे। तो इधर मैं एक ग्लास ले लिया हूँ, अभी इसके अंदर डाल दूंगी 4 से 5 आइस क्यूब। अभी वाटरमेलन कूलर बना रहे हैं तो आइस क्यूब तो डालना ही है। फिर इसके अंदर डाल दूंगी जो वाटरमेलन जूस बना के रखी थी वो, और इसे गार्निश करेंगे एक वाटरमेलन स्लाइस और एक मिंट लीफ के साथ। तो चलिए हमारा क्लासिक वाटरमेलन कूलर बन के एकदम तैयार है। वाटरमेलन मोहितो बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्लास ले लिया हूँ और इसके अंदर डाल दूंगी 4 से 5 आइस क्यूब। फिर इसके अंदर जाएगा एकदम बारीक चॉप किया हुआ वाटरमेलन पीसेस, तो मैं यहाँ पे वाटरमेलन पीसेस डाल दिया हूँ। अभी इसके अंदर डाल दूंगी 4 से 5 लेमन स्लाइस, तो लेमन की स्लाइस भी मैं डाल दिया हूँ। और ऊपर से मैं जो वाटरमेलन जूस बनाई थी, ये वाटरमेलन जूस हमें हाफ फिल करना है और हाफ में मैं डालूंगी नॉर्मल सोडा वाटर, तो मैं सोडा वाटर डाल दिया हूँ और हमारा वाटरमेलन मोहितो बनके एकदम तैयार है। फाइनली मैं इसे गार्निश कर रही हूँ एक लेमन स्लाइस और पुदीने के पत्ते के साथ।
सो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हो मेरा दो टाइप का ड्रिंक्स वाटरमेलन कूलर एंड वाटरमेलन मोइतो बनके एकदम तैयार है। मेरे प्रोसीड्योर फॉलो करके आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। और इस दोनों में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद है ये भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। इस रेसिपी को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरीज है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना, मैं जरूर रिप्लाई दे दूंगी। और ये रेसिपी मस्ट ट्राई करना। फिर मुलाकात होगा आपसे एक नए रेसिपी के साथ। बाय।